दृष्टि सीयूटी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए पहले पिछले अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं जो हमने आपसे पूछा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के राष्ट्रपति ने हर स्टार्ट पहल शुरू की? आपके ऑप्शंस थे ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी गुजरात, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को या फिर 8 अक्टूबर को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी भारतीय चुनाव आयोग या फिर डी सेबी। तो सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस माह में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बर्ड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लद्दाख। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी हरियाणा। तो सही आंसर है विकल्प बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र आपदा की घटना किस वर्ष हुई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 2011। अगला सवाल, हाल ही में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए लेह, बी श्रीनगर, सी शिमला या फिर डी गंगटोक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लेह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं नवीन पटनायक, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन या फिर नीतीश कुमार। तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से 2022 का T20 विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो सही उत्तर क्या होगा, वो है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दसवां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में माव मलुह गुफा को यूनेस्को की पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर नागालैंड में।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भेद माता वार्षिक ऊंट मेला का आयोजन हुआ। आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी गोवा। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।